बेलगावी घटना पर सियासत, बीजेपी का राज्य भर में प्रदर्शन, एनसीडब्ल्यू सख्त, कहा करेंगे जांच। बीते दिनों कर्नाटक के बेलगावी में एक महिला से मारपीट और उसे निर्वस्त अवस्था में घुमाए जाने का मामला सामने आया था। मामले को भले ही कई दिन बीत गए हों, लेकिन अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल मामले को लेकर बीजेपी ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुंकार भर दी है। बीजेपी नेता सरकार के खिलाफ हमलावर हो गए हैं। मामले को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा और कर्नाटक के पूर्व सीएम डीवी सदानंद गौड़ा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। सिचुएशन इन कर्नाटक टोटली देयर इज नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इवन फॉर वुमेन। एन इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड इन बेलगाम, एन एसटी लेडी, शी हैज बीन मेड नेकेड एंड शी हैज बीन बीटन फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर्स एंड इवन इन अदर एरियाज ऑल्सो the atrocities against women is increasing. Yesterday we had an incident direct Delhi, today we are doing here by our Mahila Morcha. वही मामले को लेकर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी आज बेलगावी पहुंची। बीजेपी सांसद और फैक्ट फाइंडिंग टीम की सदस्य लॉकेट चटर्जी और सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला लोग यहाँ पे थे और यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, सब लोग डर में हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी कांग्रेस सरकार का जो भी यहाँ पे राज है, इसमें महिला वाला भी डर पे है। जो लोग उस टाइम में जो दो तीन घंटा से ये घटना घट रही थी, हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, मुख्यमंत्री का ये महिला के ऊपर कोई स्टेटमेंट देना चाहिए और जैसे तरीके से महिला को जो घटना उस दिन इंसिडेंट महिला को विवस्त्र करके किया है, एक साइड में विधानसभा चल रहा है और दूसरा साइड में एक महिला को विवस्त्र करके नेकेट करके पैरेड चल रहा है। ये दोनों घटना एक साथ चल रहा है लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक चुप है। हम लोग चाहते हैं कि महिला को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में महिला को जो सम्मान देते हैं, कांग्रेस सरकार भी थोड़ा भी उसको लेके आए है, महिला के वोट से उन्होंने सरकार लेके आए है, तो महिला को सम्मान देना चाहिए। क्राइम किया है उसका बैकग्राउंड जो है वो कांग्रेस पार्टी का है, वो यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का कोई प्रधान है और जो यहाँ के मिनिस्टर हैं उनके साथ भी उनका कोई ना कोई एफिलिएशन है। तो इससे इसी से आपको ये जाहिर होता है कि पुलिस की जो कार्रवाई इतना लेट हुई और उसके बाद जो एफआईआर है उसके बारे में भी ये पता लग रहा है कि एफआईआर में पहले सेक्शन कुछ और थे, उसके बाद जब प्रेशर हुआ कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ही डेलीगेशन यहां पर भेजा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं कि यहां पर ये हो क्या रहा है कि कांग्रेस की सरकार जब से बनी है तब से यहां पर जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसके बाद जो है इन लोगों ने सेक्शंस को चेंज किया। इसका मतलब यह है कि ये सब इनकी एक मिलीभगत है, इनकी एक जिस तरह से इन लोगों का एक यहां पर मैं कहूंगी कि टेरर है यहां पर लोगों के अंदर और महिलाओं के अंदर तो खासकर कांग्रेस की सरकार आने के बाद। इसके साथ ही मामले को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी के सभी आरोपों को खारिज करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। A family affair which has happened, and Congress government has completely taken action immediately. After knowing the incident, we have arrested all the culprits. The law will take its own action. No question of protecting anyone. Congress government is committed to protect the women of this country. बता दें कि इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी घटना का स्वतः संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने घटना की तुलना महाभारत के दौरान द्रौपदी के साथ हुई घटना से की थी। वहीं मामले में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित भी कर दिया गया है। साथ ही घटना में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब तक करीब 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।